हेलो फ्रेंड, आज के तीन DIY जो हैं तो बिल्कुल तीनों ही एकदम अलग हैं। एक जो है तो हमने एक चौकी टाइप की छोटी सी टेबल थी इस तरह से, तो इसका हमने पेंट वगैरह करके बिल्कुल एक नया लुक दिया है। इस तरह से बिल्कुल ख़राब हो गई थी और काफ़ी दिनों से ये इस तरह से थी, और इसको कहीं भी यदि हम रखते थे ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो सोचा कि इसको कुछ नया कर दिया जाए। तो इधर पर हमने ऑयल पेंट लिया है और देखिए इस तरह से कुछ इसको पेंट कर दिया था और आराम से इसको सूखने के लिए रख दिया था। सूखने के बाद जो है तो इस पर हमने किए हैं एक्रेलिक पेंट, तो इसमें काफ़ी ब्राइट कलर किए हैं। आपको बता दें येलो कलर किया है, येलो कलर काफ़ी पसंद आता है हमको, और उस पर बहुत सारे रंग बिरंगे जो कलर हैं तो वो डाल दिए हैं। तो इस तरह से देखिए, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही बेकार हो गई, जिसको आप सोच रहे हैं कि अब इसको हमको घर से निकाल देना है, इसका हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, घर में बिल्कुल बेकार पड़ी है और ये हमारे घर क्या सिर्फ जगह घेर रही है, तो ऐसा मत सोचिए। आप उस चीज़ को एक बार उठा के देखिए और उस पर कोशिश करिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करें या बहुत कुछ उस पर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी से की जा सकती हैं, और किसी भी चीज़ को बिल्कुल नया करके आप अपने घर के डेकोरेशन को भी नया बना सकते हैं, और कुछ रोज़ रोज़ नई चीज़ें जो हैं तो अपने डेकोरेशन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ ऐसे हमने कुछ पेटल्स वगैरह पेपर पर कट कर लिए थे, इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल एक सार आपका जो डिज़ाइन है तो वो बन जाएगा। तो पहले हमने पेपर पे पेटल्स काट के फ्लावर के और इस तरह से इसको सेट कर दिया है, तो बीच में कुछ सेंटर में इस तरह से फ्लावर बना दिया था, और अगल बगल जो है आपको बता दें तो उसमें हमने एलिफेंट का डिज़ाइन बनाया था, तो उस पर भी हमने जो है तो पेपर कटिंग ही करके और फिर उसके बाद उसको बनाया था। देखिए बन गई ना आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो चौकी थी या टेबल कह लीजिए छोटी सी, बिल्कुल एक खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। अब आपको इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, अब आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि बिल्कुल ख़राब सी ये चौकी हम किसी जगह पर रखें या ये कहीं पर जगह घेरें। तो बस चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। तो देखिए बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही छोटा सा ये DIY है और फटाफट से ये बन गया था, इसमें कोई टाइम नहीं लगा था और बड़ा प्यारा सा बन के ये तैयार हुआ था। बहुत छोटी इसी जगह पर आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है तो इधर पर ये ग्रेप्स जो होते हैं ना, तो उसकी डंडियां हैं जिसको कि कुछ इस तरह से हमने ले लिया था, इस पर पूरे पे ही फेविकोल लगा दिया है इस तरह से, और इसके ऊपर जो है जो तो गिल्टर वगैरह ये इस तरह से किसी भी कलर का आप डाल सकते हैं, तो इस पर गिल्टर डाल दीजिए या स्प्रे पेंट कर दीजिए। तो देखिए अंगूर की एक छोटी सी डंडी से किस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ है उसको आप फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि इस पर हम कर क्या सकते हैं और इसको किस ढंग से हम नया कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ माला वगैरह पड़ी रहती हैं पूजा की, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो उनकी ये बीट्स वगैरह निकल आई थी, तो वो भी इसमें हम लगा दिया था। तो बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं लगा है, बिल्कुल जीरो बजट में जो भी घर में सामान है उसी से देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा DIY जो है या डेकोरेटिव पीस जो आपका है तो वो बनके तैयार है। तो बस देखिए इस तरह से लगा दीजिए, और ये कलर कॉम्बिनेशन जो है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें पर्पल और साथ में इस तरह से वाइट कलर का फेविकोल लगाते जाइए, और इस तरह के मोती वगैरह जो भी कुछ भी आपके पास है तो उनको आप लगा के अपना डेकोरेटिव पीस तैयार कर लीजिए।
देखिए, आज आपको शुरू में ही बताया था कि आप तीनों ही DIY जो हैं तो बिल्कुल अलग हैं। तो ये देखिए, एक प्लास्टिक के डिब्बे से इस तरह से हमने कुछ बनाया है। ये मल्टीपर्पज आपका हो सकता है, इसमें आप स्टोरेज बना सकते हैं, इसको फ्लावर वॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं या हैंगिंग प्लांटर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का एक ये खाली डिब्बा था, तो इसको हमने इधर से कट कर दिया था। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, दपक आराम से कट कर दिया था, बहुत आसानी से ये कट भी गया था। और इसमें हमने जूट रोप का यूज़ किया है। तो देखिए, ये इधर पर निकाल दिया था और साथ में इसके चारों तरफ जो है तो जूट रोप हमने लपेट दी थी। इधर पर थोड़ा सा ये तिरछा हो गया था देखिए, लेकिन इसको बाद में जो है तो हमने बिल्कुल बैलेंस पे कट कर दिया था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। देखिए, जब आप कोई भी DIY करते हैं ना, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो आती है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही दिखता है कि बिल्कुल फटाफट से बन गया और ये बिल्कुल एक्यूरेट कट गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊँच नीच हो जाती है, कभी कम कट जाता है, कभी ज़्यादा कट जाता है, या कभी कलर नहीं अच्छे होते। तो इस तरह से बहुत बार बहुत चीज़ें करनी होती है, तब जाके एक DIY बनता है। तो इधर पर देख के ले लिया है फेविकोल और साथ में ले ली है जूट रोप। अब इसको हम इस पर लपेट देंगे और उसके बाद हम उसको कुछ डेकोरेट करेंगे। तो देखिए, इधर पर तीनों ही जो DIY हैं तो बहुत खूबसूरत से बनके तैयार हो गए हैं। और इधर पर ये थोड़ा सा हैंडल भी लगा दिया था, हैंडल लगाने से थोड़ी इसकी जो खूबसूरती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए और इसको आप फ्लावर वास की तरह अपने सेंट्रल टेबल पर रख लीजिए और प्यारे प्यारे से उस आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दीजिए, या फिर आप जो नेचुरल फ्लावर हैं उनको भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, हैंडल लगाने के बाद ऊपर से भी जूट रोप को कुछ इस तरह से लपेट दिया था, जिससे कि इसमें मजबूती बहुत अच्छे से आ जाए। यदि आपको रस्सी से इसको नहीं बनाना है तो आप इसमें तार पे भी जूट रोप लगा के और हैंडल तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, बस बन के तैयार हो गया है इधर पर। तो चलिए, बताना अब आपको है बारी आपकी है कि आज के हमारे वीडियो में आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय से मिल जाएगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।